Hello friends, welcome to Sri's Corner. Today we are going to make daal fry. तो आज हम बनाने जा रहे हैं दाल की रेसिपी. दो तरह के दाल यूज़ करके बना रही है, एक तो मूंग दाल और एक तो चने की दाल. एक मुट्ठी भर के ही मैंने दोनों लिया है और इसको अभी धो के थोड़ी सी पानी डाल के भिगा के रखना है. हमको 15 मिनट तक इसको भिगा के रखना है. 15 मिनट के बाद थोड़ा इसी तरह मिल जाएंगे हमको. थोड़ा सा सोख हुआ है और थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाता है, ऐसे फुल के मिल जाता है. और इसके बाद हमको सब्जियां निकालनी चाहिए उसमें डालने का. इसमें मैंने अनियन, टमाटो, चिल्ली, कोरिएंडर लीव्स, हींग और सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, क्यूमिन सीड्स और मस्टर्ड सीड्स यानी जीरा और राई भी लिया है. तेल कढ़ाई में डाल के पहले हम राई को डाल दिया. राई फूटने के बाद हम इसमें जीरा डालेंगे. जीरा थोड़ी सी गर्म होने के बाद हम इसमें थोड़ी प्याज डालते हैं, क्योंकि वो प्याज का भी खुशबू इसमें तेल में निकलेंगे, बहुत अच्छा लगेंगे. फिर कोरिएंडर लीफ और थोड़ी सी डालते हैं कोरिएंडर, थोड़ी सी और ड्राई चिली. और हम पहले इसको थोड़ा ड्राई चिल्ली और थोड़ी सी तेल और ये सब निकाल के एक बाउल में निकाल के रखते हैं. लास्ट में हम एक बार बन जाने के बाद इसके ऊपर से डाल लेंगे, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे और बहुत अच्छा भी लगेंगे. उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे और थोड़ी सी अच्छे से स्टिर करने के बाद हम इसमें थोड़ी टमाटर भी डालेंगे. अब अच्छे से सॉर्ट करके इसको बंद करके रखना है. और इसमें थोड़ी हल्दी और नमक भी ऐड करेंगे हम, ताकि वो थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए. हमारी वो जो प्याज है ना, वो ट्रांसलूसेंट यानी आर पार दिखने जैसे बन जाए, तब वो थोड़ी सी पक जाते हैं. अब ये सब अच्छे से बनाएंगे हम और अच्छी थोड़ी सी और भूंजेंगे, बंद करेंगे और इसके बाद इसको ठंडा करने रख के फिर मैं मिक्सर में पीस करके रखूँगी. मैं मिक्सर में पीस करके बना रही हूँ, क्योंकि कभी कभी किसी को ये प्याज और ऑनियन और सॉरी प्याज और टमाटर मुंह में आएंगे तो बच्चे लोग कभी खाते नहीं, तो मैंने इसको पीस करके ही बना रही हूँ. और दाल मिक्स दाल है तो बच्चे को भी बहुत फ़ायदा करता है, बड़ों को भी फायदा करता है. और ऐसी चीज़ बना के खाना चाहिए बच्चे और बड़ों को. ऐसे ही मैंने डाला क्योंकि उसमें ऑलरेडी तेल थे, उसी के साथ ही मैंने पीस किए थे. और तेल ऐड मत करो, अगर चाहे तो आप इसमें थोड़ी सी घी लास्ट में डाल के खा सकते हैं और टेस्ट बढ़ जाते हैं. और मैंने वो मिक्सर में थोड़ी सी पानी डाल के वही पानी थोड़ी सी डाली है. अब इसको अच्छे से थोड़ी सी ड्राई हो गया वो, थोड़ी सी बूंज बूंज के फिर इसमें दाल अच्छे से मैश करके. कुकर में मैंने 3 सीटीज डाली है, 3 to 5 सीटी, 5 विसल हो गया है तो अच्छे से पक गए हैं. मैं उसको मैश करके डाली है और वो चने की दाल थोड़ी सी ऐसे रहेंगे और बाकी मूंग दाल पूरे अच्छे से मैश हो गया है, लेकिन वो स्वादिष्ट रहता है. पक तो गए हैं सब. और 2 राजमा ऐसे ही आए थे तो मैंने उसको भी डाले थे. और अभी हींग डालना है और थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स. कोरिएंडर लीव्स ऊपर से भी काट के डालो तो भी अच्छा लगता है, और स्टार्टिंग में डालो तो उसकी खुशबू भी आ जाता है. और मैं अच्छे से बनने के बाद जो साइड में बाउल में रखे हैं ना, सबसे पहले मैंने तड़का लगा के निकाले हुआ इसको भी ऊपर ऐड करेंगे तो ये बहुत अच्छा दिख जाएंगे. हमेशा ऐसे डाल के ये जो ड्राई चिलीज वगैरह दिखने में ना देखो बहुत अच्छा लगेंगे. आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बच्चे बड़े सब खा सकते हैं और बहुत इजी है. बस इसको भिगा के रखने का ही है. और विल बी सी सून इन नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.